पेंशनर डे पर हिमाचल पेंशनर फेडरेशन ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के गृह जिला से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष का आगाज किया है। पेंशनर फेडरेशन ने सुंदरनगर में पेंशनर डे पर जिला अध्यक्ष प्रभुराम वर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में आगामी रणनीति तय की है। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष हिम्मत राम शर्मा बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रभुराम वर्मा ने कहा कि सुंदरनगर में ही मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पेंशनर की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी पेंशनर की एक भी मांग को पूरा नहीं किया गया है। सीएम पेंशनरों को आश्वासन देने के बाद उनकी मांगों को पूरा करने की बजाय भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार को पेंशनर ने पूरा समर्थन दिया है, लेकिन सत्ता में आने पर उनकी मांगों को पूरा करने में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर नाकाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि फेडरेशन ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार का पुरजोर से विरोध करने का ऐलान किया है। 2006 से पूर्व हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 20 साल की सेवा पर पूर्ण पेंशन का लाभ दिया जाए। 2003 के बाद उन सभी सेवानिवृत्त पेंशनर्स को पेंशन दी जाए जो 2003 से पूर्व सैनिक भोगी हेडॉक कॉन्टैक्ट वॉलंटियर आधार पर नियुक्त हुए थे, उन्हें उस समय का पेंशन लौट दिया जाए। 2003 के उपरांत नियुक्त समस्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के आधार पर सेवानिवृत्ति उपरांत लाभ दिया जाए। पेंशनर्स हित में पेंशन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। पेंशनर जेसीसी की मीटिंग बुलाई जाने की मांग पर चर्चा कर रणनीति तय की गई है। इस अवसर पर सुंदरनगर इकाई के महासचिव धनीराम, जिला मंडी के महासचिव दिलीप ठाकुर, हरिदास प्रजापति, मुख्य सलाहकार मोहन सिंह वर्मा, सुंदरनगर इकाई के प्रधान लक्ष्मण सिंह वर्मा, धर्मपुर इकाई के प्रधान रोशनलाल नेगी, धर्मचंद ठाकुर, रामचरण ठाकुर, हेम सिंह ठाकुर, गिरजा गौतम, गायत्री देवी समेत अन्य सदस्य और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे कुछ पेंशनर कुछ सरकार की बेरोखी से खफा भी हैं, असंतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पेंशनर जिन्होंने हिमाचल के विकास में अपना बहुत योगदान दिया है, जिन्होंने अपना सुनहरा काल हिमाचल के विकास में दिया है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को पेंशनर्स की मांगों पर अवश्य ध्यान देना होगा, ताकि जिन पेंशनर्स को हमने सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए आंदोलित किया था, प्रेरित किया था, उनकी विश्वसनीयता हम पर बनी रहे। अभी पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद असेंबली इलेक्शन आएंगे 2 साल के बाद। हम समझते हैं यदि सरकार का रवैया पेंशन के प्रति उदासीन रहा तो हमें सरकार के साथ चलना मुश्किल हो जाएगा, और हम आज यहाँ से घोषणा करते हैं कि यदि सरकार का हर धर्मी का ऐसा ही रवैया रहा तो आने वाले इलेक्शंस में, जो आने वाले असेंबली इलेक्शंस होंगे, उनमें हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। हमारी कुछ लंबित डिमांड्स हैं जिनके प्रति हमने सरकार को आगाही कर दिया है और मांग पत्र भी प्रेषित कर दिया है। समय समय पर हम सरकार को पत्र के माध्यम से आगाह भी करते रहे हैं, तो एक बार फिर मैं आपके समक्ष उन मांगों का विश्लेषण कर रहा हूँ।